इसको ये कर दीजिए तो लास्ट क्लास में हम लोग लो सामूहिक सौदेबाजी को डिस्कस कर रहे थे और सामूहिक सौदाजी की लगभग लगभग चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिए एक दो पहलू बचा रह गया है एक उसका इम्पोर्टेंस उसके कुछ लाभ क्या उससे फायदे हैं उसके लिए क्या क्या जरूरी शर्तें होनी चाहिए और न्यू क्या क्या डायमेंशन उभर के आ रहे हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के क्षेत्र में तो यही दो तीन चीज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे तो लगभग लगभग चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और अब जो भी बातें आएंगी कुछ को छोड़ दें तो लगभग लगभग बातें रिपीट होती हुई आपको दिखेंगे तो जहां जहां रिपीट होती दिखेंगे उसको हम छोड़ते हुए चलेंगे तो जनरली इस टॉपिक को मैं एक दिन में खत्म कर देता था लेकिन डिटेल में जाते जाते ये धीरे 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 बहुत लंबा होते चला गया तीन से चार दिन इसमें लग गए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग अब जितना चीज आप पढ़ चुके हैं लगभग लगभग वहीं सी बातों का रिपीटेशन होगा तो हम इसके पॉइंट बतला देते हैं अगर कोई पॉइंट में आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो मैं बतला दूंगा नहीं तो लगभग लगभग हम आम, आ, हमने आपके साथ एक्सप्लेन कर रखा है सबसे पहला चीज है कि सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया इसलिए है कि अगर देखेंगे इस पूरे प्रकरण में कलेक्टिव बारगेनिंग के पूरे प्रकरण में देखेंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो सोशल जस्टिस इसके सेंटर में रहता है इसलिए सोशल जस्टिस सेंटर में रहता है क्योंकि एक औद्योगिक समाज में एक वर्ग जो सबसे सक्षम है जो कैपिटल का मालिक है जो पूंजी लगा रहा है और दूसरा क्लास जो है जो वर्कर्स का क्लास है जो सबसे अक्षम क्लास है वो दोनों के बीच में एक समझौता होता है और दोनों के बीच में जब समझौता होता, होता है तो इससे क्या होती है कि आने वाली पीढ़ी के लिए आगे हमेशा के लिए वो एक सामाजिक परिवर्तन एक समाज सोशल जस्टिस के थ्योरी को अपनाया जाता है और सोशल जस्टिस की थ्योरी को अपनाने के साथ साथ एक सामाजिक परिवर्तन की राह को भी सुनिश्चित करता है शांति समझौता है औद्योगिक शांति की स्थापना होती है इसको हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं औद्योगिक न्याय तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है यह एक चीज समझने की जरूरत है कि इंडस्ट्रियल जुरिस्पूडेंस क्या होता है औद्योगिक न्याय शास्त्र का जैसे देखिए हमारे यहाँ जो जस्टिस सिस्टम काम करती है जहाँ पर न्याय अवेलेबल करवाया जाता है वो न्यायपालिका के द्वारा न्याय हमारे यहाँ अवेलेबल करवाया जाता है अब न्यायपालिका न्याय अवेलेबल न्याय करवाने में किन किन तथ्यों का किन किन सिद्धांतों को महत्व देती है वही जो है जैसे अगर देखेंगे कि जब पर्सनल लॉ की जहां भी हम चर्चा करेंगे तो वहां पर जो कस्टम होगा जो वहाँ का चला रहा जो वैल्यूज है जो नॉर्म्स है उन सब चीजों को वहां पर महत्व दिया जाता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात करते हैं तो वहां पर संविधान को संविधान के साथ साथ तो उसमें कुछ कन्वेंसन्स चले आ रहे हैं उन कन्वेंशन को देखा जाता है जैसे संविधान में कहीं कहीं पर लिखित प्रावधान नहीं है लेकिन वहां किन चीजों को देखा जाता है वहां पर उस समय पहले से क्या प्रक्रिया अपनाई गई है उस सब चीज को भी महत्व दिया जाता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में देखेंगे तो वह एक सिद्धांत पर ही चलता है कि अपराधी जो है वो कोई भी जो आरोपी है उसको निर्दोष मान के चलता है अब यह प्रोसिक्यूशन पर दायित्व है कि वो उस पर अपराध प्रूफ करे जब तक अपराध प्रूफ नहीं हो जाए तब तक उसको निर्दोष मान के चला जाता है तो इसी तरह कुछ जो न्यायिक सिद्धांत है उस प्रकार के एक इंडस्ट्रियल जो स्टूडेंट एक श्रमिकों के संदर्भ में या उद्योग के संदर्भ में एक न्याय तंत्र का यहां से विकास होता है कैसे तो सामान्यतः उद्योग के क्षेत्र में देख औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में देखेंगे तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो होता है वो एडजुडिकेशन के द्वारा डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन किया जाता है चाहे वो लेबर कोर्ट के द्वारा हो चाहे वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के द्वारा हो चाहे नेशनल ट्रिब्यूनल के द्वारा हो लेकिन जैसे ही हम सौदेबाजी को के रास्ते को अपनाते हैं जैसे ही सौदेबाजी की तरफ अभिमुख होते हैं वैसे ही क्या होता है कि एक वैकल्पिक मार्ग तैयार होता है एक ऑप्शनल मार्ग तैयार होता है जो रास्ता आपसी सहमति से आपसी बात भी, आपसी विचार विमर्श से और आपसी सौदेबाजी से एक नए न्याय तंत्र को डेवलप करती है इस प्रकार से भी डिसीजन लिया जा सकता है इस प्रकार से भी डिसीजन लिया जा सकता है यह डिसीजन जो एडजुडिकेशन से डिसीजन आया है उसके बनिस्पत ज्यादा सर्वमान्य है ज्यादा स्वीकार्य है तो यह उसके लिए भी जैसे जब हम जो स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो पहले क्या होता था पहले राजा जो कह देता था वही कानून होता था पहले जब राजतंत्र हुआ करता था चाहे वो चाहे वो अशोक हो चाहे अकबर हो या और भी कोई भी राजा हो इन लोगों के द्वारा जो कह दिया गया दैट इज लॉ आई एम द किंग एंड माई वर्जन इज लॉ लेकिन जैसे ही जैसे परिवर्तन होते जाता है जैसे जैसे राजतंत्र में परिवर्तन होता है पॉजिटिव लॉ जब बेंथम वगैरह के सामने आते हैं वो लोग पॉजिटिव लॉ की बात करते हैं अर्थात मेनमेड लॉ की बात करते हैं तो वह कानून पृष्ठभूमि में चला जाता है और मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया मीन्स की मेजोरिटी के द्वारा जो बनाया गया कानून है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून वह सेंटर में आ जाता है रूल ऑफ लॉ की संकल्पना सामने आती है उसी तरह इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी यह एक नए संकल्पना की पृष्ठभूमि तैयार करता है कि जहां पर कानून सरकार के द्वारा कानून नहीं बनाए गए हैं या जो भी क्षेत्र अछूता है या सरकार के द्वारा कानून बनाए भी गए हैं वहां पर भी एक वैकल्पिक मार्ग हम सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा अपना सकते हैं यह सब तो डिस्कस कर चुके हैं श्रमिकों की दशाओं में सुधार में सहायक होता है उद्योगों में स्वेच्छाचारिता पर अर्थात प्रेरोगेटिव का जो उपयोग करते हैं नियोजक उन पर यह रोक लगाते हैं स्वेच्छाचारिता का मतलब हुआ कि हम जैसे चाहे उसी तरह से काम करें स्वेच्छाचारिता को ही आप निरंकुश भी कह सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई अंकुश नहीं है जैसे मन चाहे वैसे काम कर सकते हैं लेकिन यहां पर अगर वो किसी एग्रीमेंट तक पहुंच जाते हैं सामूहिक सौदेबाजी के थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच जाते हैं किसी संविदा को में इंटर कर जाते हैं तब क्या होगा कि तब उस संविधान के शर्त से बंध जाएंगे तब वो उसको नहीं कर सकते अगर करेंगे, तो सामने वाली पार्टी जो सफर कर रहा है उसको डैमेज देना पड़ेगा उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा पड़ेगा उसको करना तो क्या होता है कि नियोजकों की चारिता पर इससे अंकुश लगता है नियोजक या प्रबंधक दोनों को कह लें दोनों के स्वेच्छाचारिता पर मीन उसकी निरंकुशता की प्रवृत्ति पर उसके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं उस पर भी यहां रोक लगता है क्यों क्योंकि मैक्सिमम जो डिसीजन है वो डिसीजन प्रबंधन और श्रमिकों की सहमति से लिया जाएगा दोनों के बीच सौदेबाजी से लिया जाएगा और उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट दोनों के द्वारा बाइंडिंग होगा दोनों के लिए बाइंडिंग होगा तो दोनों को उसको फॉलो करना भी जरूरी होगा प्रतिष्ठान स्तर के समस्याओं के समाधान में सहायक इसकी भी हम कल डिटेल में आपके साथ चर्चा किए हुए हैं कि जो भी कानून बनते हैं वो कानून ऊपर ऊपर ही उस, उस समस्याओं के बारे में बात करता है लेकिन किसी प्लांट में किसी एस्टेब्लिशमेंट में वास्तविक वहाँ के लोगों की क्या समस्या है वो या तो वहां पर काम करने वाले श्रमिक उससे वाकिफ है या वहां पर जो उसके नियोजक या प्रबंधक है वो उससे वाकिफ है तो दोनों के बीच दोनों के बीच बातचीत करके दोनों के बीच सहमति करके या दोनों के बीच इस तरह का कोई रास्ता निकाल करके ही यहां तक पहुंचा जा सकता है मीन्स की जो समस्या है समस्या का वास्तविक समस्याओं का समाधान कलेक्टिव बार्गेनिंग के तहत ही संभव है न कि एडजुडिकेशन या किसी अन्य मशीनरी के द्वारा जो डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट की मूल जड़ तक पहुंचने में वहां के जो ट्रेड यूनियन है वही सक्षम होंगे या वहां के जो मैनेजमेंट है वही सक्षम होंगे और वही दोनों मिलकर के डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन निकाल सकते हैं सरकार बैठ के बाहर बैठ करके या जो भी थर्ड पार्टी है जिसका वहां से कुछ लेना देना नहीं है वो उसका समाधान नहीं निकाल सकता है मान लीजिए कि हड़ताल हो गई या किसी फैक्ट्री में लॉकआउट की ही घोषणा कर दी गई तालाबंदी की ही घोषणा कर दी गई है तो मूल रीजन क्या है हड़ताल का केवल एक रीजन नहीं होता है कि केवल वेज वृद्धि के लिए हड़ताल कर दिया गया हड़ताल के बहुत सारे रीजन होते हैं कोई जरूरी नहीं कि पर वेज में बढ़ाया जाना हो सकता है कि श्रमिकों के साथ प्रबंधन जो है वो गलत व्यवहार कर रहा हो कोई उद्दंड प्रबंधक आ गया हो कोई ऐसा प्रबंधक आ गया हो जो स्वेच्छाचारी प्रबंधक हो जो श्रमिकों को के हितों को कटेल करने में ही आनंद का अनुभव करता हो तो ऐसी परिस्थिति में हड़ताल का मूल कारण तो वहां पर अभिवृत्ति की चेंजिंग एटीट्यूडनल चेंज लाना है उस एटीट्यूडनल चेंज के कारण क्या समस्याएं आ रही है वो तो किसी कानून की पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ मिलेगा हड़ताल जब कभी भी सीमित होगा तो हड़ताल का जब कभी भी संबंध होगा या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की जब बात करेंगे तो वर्क कंडीशन और वे से जाकर के जुड़ेगा लेकिन एटीट्यूडनल चेंज से तो जाकर के नहीं जुड़ेगा लेकिन यह समस्या तो है लेकिन और इस समस्या से कौन वाकिफ है वहां काम करने वाले वर्कर्स वाकिफ है वहां काम करने वाला प्रबंधन वाकिफ है तो उस स्तर पर जो श्रमिकों की वास्तविक समस्या है वो वास्तविक समस्या के समाधान वास्तविक समस्या का जो रिजोल्यूशन है उसके जो जो रियल ग्रीवांज है उस रियल ग्रीवांज का रिजोल्यूशन कलेक्टिव बार्गेनिंग से ही संभव है न कि किसी कानून के द्वारा लंबी एवं टिकाऊ औद्योगिक शांति को बनाए रखने में सहायक तो इसको भी हम लोग कल डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं ज्यादा बोलेंगे नहीं श्रम मानकों की स्थापना में सहायक श्रमिकों के मनोवैज्ञानिक उन्नयन इसकी भी हम आपके साथ चर्चा कर चुके हैं और श्रम संघों की स्थिति में सुधार में सहायक इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं जैसे ही कलेक्टिव बार्गेनिंग इफेक्टिव होगा तो श्रम संघों का के प्रति रुझान बढ़ेगा श्रम संघों की प्रभावशीलता उसकी इफेक्टिविटी भी बढ़ेगी तो ये सब कल डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं फिर से उसको बार बार एक ही चीज को डिस्कस करना नहीं चाहते हैं अब इसके कुछ बेनिफिट्स को देख लें कभी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सामूहिक सौदेबाजी के बेनिफिट्स क्या है इससे क्या क्या लाभ होता है तो तीनों एंगल तीन जो इसके प्रमुख एक्टर्स हैं बेनिफिट्स जब कभी भी हम देखेंगे तो तीनों के फैक्टर में हम देखेंगे सरकार के फैक्टर में सरकार के हित में क्या लाभ हो रहा है नियोजक के हित में क्या लाभ हो रहा है और वर्कर्स के हित में क्या लाभ हो रहा है क्यों क्योंकि तीनों या या सुलझाने की कोशिश करते, है। तो को करते हैं और दूसरा अपने वर्क कंडीशन अपना वेज इन सब चीजों को भी निर्धारित करने की करने की कोशिश करते हैं तो अगर इस मीन्स को अपनाया जाता है अपने डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में या वेज uh, फिक्सेशन या वर्क कंडीशन के रेगुलराइजेशन के लिए अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग के मीन्स को अपनाया जाता है देन तीनों एक्टर्स को क्या क्या फायदे होने जा रहे हैं तीनों एक्टर्स को क्या क्या फायदे होने जा रहे हैं इसको हम लोग इसकी हम लोग चर्चा करेंगे तो पहला क्या कि अच्छा कार्यदशा एवं अच्छी मजदूरी क्योंकि वेज और वर्क कंडीशन वेज और वर्क कंडीशन दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करके एक दूसरे के साथ सौदेबाजी करके उसको फिक्स किया जा रहा है उसको निश्चित किया जा रहा है वेज और वर्क कंडीशन दोनों कहां से निश्चित हो रहा है तो दोनों पक्ष के बीच बातचीत से दोनों पक्ष के बीच सौदेबाजी से दोनों पक्ष के बीच बार्गेनिंग से जब दोनों पक्ष के बीच बार्गेनिंग से यह निश्चित इसको फिक्स किया जाएगा तो क्या होगा कि दोनों पक्षों की बातें उसमें शामिल होंगी वर्कर्स इस बात के लिए नाराज नहीं होंगे कि हमारा वर्क कंडीशन जो है वो खराब है क्यों क्योंकि उन्हीं के मर्जी के अनुसार फिक्स किया गया है उनकी भी उसमें भागीदारी रही है फिक्स करने में और वेज वेज के संदर्भ में भी उनकी बात को रखा गया है तो जब कभी भी होगा तो यह बेहतर स्थिति होगी निरीक्षक की मनमानी का अंत हो जाएगा अभी हम तक हम तक लोग जितना लेबर लॉ पढ़े हैं उसमें एक एक महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में निरीक्षक की भूमिका आती है और देखते होंगे किसके लिए इंस्पेक्टर राज की बात की जाती है कि इंस्पेक्टर इतना महत्वपूर्ण होता है कि वो फैक्ट्री में उसकी एंट्री होती है और फैक्ट्री के सारे काम काज हर जगह उसका इंटरफेरेंस बढ़ता चला जाता है क्यों क्योंकि उसको दंडित करने का अधिकार है वो विभिन्न कानून के अंतर्गत तो उसको प्रक्रिया चलाने का अधिकार है हर मामले में जो भी कानूनी प्रावधान है जो भी जितने भी सरकारी कानून बने करीब 40 के आसपास कानून है जिसको अभी कोडिफाई करके चार कोड में संग्रहित करने की कोशिश की गई प्रत्येक कानून में देखेंगे तो निरीक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और पूरे कानून के इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व तो इसी एक अधिकारी पर है अब इतने सारे अधिकार को लेने के बाद यह अधिकारी बहुत ही मोनोटोनस तरीका से अपनी मर्जी के अनुसार काम करता है तो निरीक्षक का अधिकार कहां तक है निरीक्षक कहां तक इंटरफेयर कर सकता है जो कानून उसको अपॉइंट कर किया है और उस कानून के क्या क्या दायरे हैं जहां तक उस कानून के एम्बिट का विस्तार है जहां तक उस कानून के शक्ति का विस्तार होगा वहीं तक निरीक्षक की भूमिका रहेगी उसके बाद वेज फिक्सेशन में एक मिनिमम वेज हो गया तो निरीक्षक क्या चेक कि उस मिनिमम वेज तक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है लेकिन अगर हम अगर हम अपने फैक्ट्री का अगर हम अपने एस्टेब्लिशमेंट का प्रत्येक जो वर्क कंडीशन है और जो वेज है वो हम कलेक्टिव वार्गेनिंग के थ्रू फिक्स करते हैं और जो आ, ज, आ, सरकारी कानून के द्वारा जो क्राइटेरिया अवेलेबल करवाया गया उससे बेहतर क्राइटेरिया हम अपने वर्कर्स को अवेलेबल करवा रहे हैं तब क्या निरीक्षक वहां पर कुछ कर सकता है क्या वो इंटरफेयर वहां कर सकता है वो नहीं करेगा क्यों क्योंकि उसके दायरे से बाहर की चीज हो जाएगी अगर हम शुरू में अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट को निरीक्षक के सामने रख दे कि भाई हम हमारा हमारे और हमारे जो यूनियन है उनके बीच इस इन बातों पर समझौता हुई और इसके अनुसार हम काम कर रहे हैं तो क्या होगा कि उस कानून की इफेक्टिविटी से वो बाहर हो जाएगा हमने प्रत्येक कानून में देखा है ना कि अगर एग्रीमेंट इससे बेहतर स्थिति अवेलेबल करवाता है तो यह कानून लागू नहीं होगा तो जैसे ही वो कानून लागू नहीं होगा तैसे ही निरीक्षक का हस्तक्षेप बंद हो जाएगा और इंस्पेक्टर का हस्तक्षेप बंद होगा फिर मनमानी उसे जुर्माना वगैरह या कुछ भी वसूल करने के लिए इंस्पेक्टर की भूमिका समाप्त होती चली जाएगी इंस्पेक्टर की भूमिका गौन होगी और एक अदर uh, सोर्स जो इंस्पेक्टर की तरफ जा रहा था एक फंड जो इंस्पेक्टर की तरफ जा रहा था वो ब्रेक होगा और उसके बनिस्पत लेबर का कल्याण होना शुरू होगा क्लियर श्रमिक वर्ग के महत्व का बढ़ना तो ये तो सामान्य सी बात है वही सब बात है इसकी भी हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं मनोबल में वृद्धि होगी दोनों के बीच मधुर संबंध की स्थापना होगी जो भी डिस्प्यूट होगा उसका निवारण होगा एक पक्षीय कार्यवाही का अंत होगा सामाजिक सुरक्षा बेहतर तरीका से मिल पाएंगे अच्छे श्रम संघों का विकास होगा अच्छे श्रम संघों का विकास इसलिए होगा क्योंकि बार्गेनिंग करने में श्रम संघों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है बार्गेनिंग करने में श्रम संघों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है तो श्रम संघ की भूमिका जैसे ही महत्वपूर्ण होगी तो वर्कर्स क्या चाहेंगे कि हमारा जो श्रम संघ हो सुदृढ़ श्रम संघ हो बेहतर श्रम संघ हो जो अपने स्किल से अपने इफेक्टिविटी से अपने प्रभावशीलता से हमारे पक्ष में समझौता करवाने में सक्षम हो सके सेवा शर्त बेहतर हो जाएगी विवाद का शांतिपूर्ण निपटारा होगा और समझौते का पालन भी होगा तो ये सब कुछ फायदे वर्कर्स को होंगे लगभग लगभग चीज हम हम लोगों ने कल डिस्कस कर रखा है जो जो बचा हुआ था उस लगा उसको हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है प्रबंधन के दृष्टिकोण से अगर हम फायदे देखेंगे तो औद्योगिक शांति की स्थापना होगी प्रबंधन के आदेश का स्वागत होगा प्रबंधन के आदेश का स्वागत अर्थात देखिए कि जब कभी भी आप अपने घर में भी देखते होंगे कि जब आपकी मर्जी के खिलाफ आपके गार्जियन आपको कुछ बात कहते हैं तो आप किसी तरह नाकुर नुकुर करते हुए उस बात को मानते हैं खुले दिल से उसको उस काम को करने की कभी कोशिश नहीं करते और जिस मामले में आपके गार्जियन आपको कहते हैं कि हाँ जाके ये काम करो तो वहां बड़ी खुश होकर के काम करते होंगे वही सेम चीज वर्कर्स पर भी अप्लाई करता है या आप अपने किसी कभी किसी रिक्शा पर चढ़िएगा या कोई भी किसी वर्कर को अपने अंदर काम पर लगाइएगा और उसके पीछे या इसको भी भूल जाइए घर में जो काम करने वाली बाई होती है अक्सर प्रत्येक जगह पर जहां भी आप रहते होंगे वहां जरूर कोई ना कोई कहीं ना कहीं या तो खाना बनाने के लिए या किसी भी चीज के लिए रखे होंगे तो आप इस चीज को आजमा के देख सकते हैं कि अगर वो साफ सफाई करने के लिए किसी को रखे होंगे स्वीप, स्वीपिंग स्वीपिंग के काम के लिए किसी को भी रखे होंगे और आप उसके पीठ पे खड़ा हो जाइए वो जो काम करता है उसके पीछे एकदम लगे रहिए कि नहीं ये ऐसे नहीं किया ऐसे किया ऐसे करो ऐसे करो उसको दिन भर में दस बार इंस्ट्रक्शन देते रहिए देखिए कि वो आपसे खिन्न होकर बैठा रहेगा काम भी सही तरीका से नहीं करेगा लेकिन अगर उसको आप काम करने की स्वतंत्रता देते हैं एक दो बार केवल टोकते हैं और उससे पहले से ही उसको तय कर देते हैं जैसे अगर वो रेगुलर कुछ समय के बाद अनुपस्थित होते जा रहा है तो आप पहले ही अपना सेवा सर तय कर लेते हैं कि हाँ वीक में हम एक दिन की छुट्टी देंगे और आफ्टर फोर डेज आई विल कट आई विल कट योर सैलरी या योर वेज तब देखिए कि फिर कैसे पहले ही से अगर आप वो तैयार कर लिया तो देखिए कि वो भी बचना चाहेगा वो भी उससे वेज कट से बचना चाहेगा और वो बेहतर तरीका से काम करेगा तो वही चीज है कि आपके आदेश का स्वागत किया जाएगा पदोन्नति पदावन्नति के मामले को शीघ्र जैसे अक्सर सेवा शर्तों को लेकर के कभी कभी स्ट्राइक होती है सेवा शर्तों को लेकर के दोनों पक्ष के बीच में डिस्प्यूट की स्थिति बनती है इस परिस्थिति में अगर पदोन्नति और पदावनति का कोई भी मामला है अर्थात कहीं भी प्रमोशन का और डिमोशन का कोई भी मैटर है तो यह लंबा समय नहीं लेगा जनरली क्या होता है कि इसको लेकर के अगर डिस्प्यूट होता है तो यह मैटर कहां पहुंच जाता है जाकर के एडजुडिकेशन एजेंसीज़ में पहुंच जाती है उसको इस मामले पर फैसला लेने में चार चार साल पांच पांच साल छह साल या दस बारह साल भी लग जाते हैं तब तक में या तो उसके रिटायरमेंट की आयु आ जाती है या वो मर चुका होता है मरने के बाद या रिटायर होने के बाद पदोन्नति मिले क्या और न तो इन सब मामलों को अगर कलेक्टिव बारगेनिंग से टाइम बाउंड फ्रेम में सुलझा लिया जाए तो दोनों को फायदा होगा मैनेजमेंट को भी फायदा होगा और वर्कर्स को भी फायदा होगा क्या फायदा होगा तो अनावश्यक विवाद से दोनों बचेंगे अनावश्यक जो टाइम कंज्यूम करेगा एडजुडिकेशन एजेंसीज उससे वो आराम से बचेंगे तो ये कुछ फायदे प्रबंधन को है ये सब सिंपल सिंपल चीज है आप एक एक दो दो तीन तीन लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं श्रमिकों का सहयोग मिलना शुरू होगा फिर जब श्रमिकों का सहयोग मिलना शुरू होगा तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी समस्या का स्थायी समाधान यहाँ पर निकलेगा अपव्यय में कमी आएगी अपव्य जो आ, जो या जो एक्सपेंडिचर लीगल बैटल को लड़ने में खर्च हो रहे हैं वो वो बच जाएंगे उसके बाद साधनों का पूर्ण उपयोग हो पाएगा औद्योगिक शांति स्थापित हो पाएगी नेशन के स्तर पर अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम होगा क्यों क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्कर्स आ रहे हैं मैक्सिमम वर्कर्स एक कृषक समुदाय से बिलोंग करते हैं जिनका कृषक से मजदूर में रूपांतरण हुआ है और मजदूर बनने के बाद वो शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं और वहां पर जाकर के वर्कर का, का काम कर रहे हैं वहां पर जाकर के श्रमिक का, का काम कर रहे हैं अब क्या होगा कि अगर ये बेहतर तरीका से काम होगा यहां पर तो क्या होगा वर्कर्स को बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिलेंगे वर्कर्स को बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिलेंगे तो एग्रीकल्चर पर जो पॉपुलेशन का दबाव है वो कमेगा एग्रीकल्चर पर पॉपुलेशन का दबाव कमेगा तो इसका कारण क्या होगा कि एग्रीकल्चर और प्रॉफिटेबल व्यवसाय बनेगा प्रॉफिटेबल व्यवसाय बनने के साथ साथ जैसे देखिए एग्रीकल्चर के साथ समस्या क्या है कि अभी भी हमारे यहाँ की 40 परसेंट फोर्टी टू लेकर के 50 परसेंट जो फैमिलीज हैं परिवार हैं वो कृषि पर आश्रित है और कृषि पर क्या है कि एक पूरा परिवार आश्रित है अब सब मिलकर के वहां पर खेती करता है तो वहां पर क्या होता है कि प्रछंड बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज्यादा है मीन्स कि जो काम एक आदमी के द्वारा निपटाया जा सकता था उस काम को दस आदमी मिलकर के कर रहे हैं तो वो नौ आदमी को वहां से निकाल करके इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में उनको लगाया जा सकता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में लगाया जाएगा तो उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और इन सब का अल्टीमेट प्रभाव यह होगा कि देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ती चली जाएगी एक चीज है कि रिसर्च को प्रोत्साहन रिसर्च को प्रोत्साहन मीन्स कि सरकार जो टाइम कानून बनाने में लगाती है अगर वो कानून बनाने का काम खुद वर्कर्स एंड या जो सेवा शर्त निर्धारित करने का काम वर्कर्स और श्रमिक वर्कर्स और नियोजक खुद कर रहे हैं मीन्स एम्प्लाई और इम्प्लॉयर खुद कर रहे हैं तो सरकार क्या करेगी अब सरकार की भूमिका क्या सरकार की भूमिका केवल मॉनिटर करने की हो जाएगी मॉनिटर करने की भूमिका हो जाएगी मीन्स कि अगर कहीं पर आ, खुद से ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और खुद से बेहतर तरीका से काम कर रहे हैं तो क्या होगा कि सरकार जो समय कानून बनाने में या उसकी इंप्लीमेंटेशन पर जिस एजेंसी को खर्च करती थी उस इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी को रिसर्च में लगा सकती है वो और देख सकते कि और इस मामले में क्या बेहतर किया जा सकता है और इस इस मामले में और क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं इस पर वो अपने पूरे मशीनरी को खर्च करेगी अपने पूरे मशीनरी को उधर जाकर के लगाएगी शोध तो को बढ़ावा मिलेगा तो इससे क्या होगा कि नए नए डायमेंशन खुलेंगे नए नए डायमेंशन में वर्कर्स और इम्प्लॉयर्स के लिए जो जो भी रिलेशन डेवलप होगा उसके लिए नए आयाम यहां से नए आयाम की शुरुआत होगी तो सरकार मैक्सिमम टाइम जो इनको रेगुलेट करने के लिए जो अधिकारियों का एक वर्ग खड़ा कर रहा है वहां पर शोधार्थियों का एक वर्ग खड़ा करेगा रिसर्चर्स का एक ग्रुप तैयार करेगा जो इस मामले में रिसर्च करेंगे और यहां पर और नए नए क्या संभावनाएं हो सकती नए नए क्या नवाचार हो सकते हैं उनके विषय जानकारी अवेलेबल करवाएंगे श्रम कानूनों का बेहतरीन क्रियान्वयन हो पाएगा और श्रम कानूनों का क्रियान्वयन नहीं श्रम कानून के बेहतरीन क्रियान्वयन के साथ साथ अगला जो प्रोविजन है कि श्रम कानून में संशोधन की पृष्ठभूमि मीन्स कि वहां से नई समस्याएं उभर के सामने आएंगी जहां पर समझौते होंगे और उन समझौतों के तत्वाधान में श्रम कानूनों में सरकार भी संशोधन कर सकेगी तो एक साथ बहुत सारे फायदे गवर्नमेंट को भी होने जा रहे हैं क्लियर यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बोले अब हम लोग कुछ लिमिटेशंस देखते हैं कि हमारे औद्योगिक समाज में आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जो बेहतर कलेक्टिव बार्गेनिंग के बेहतर डेवलपमेंट के लिए बेहतर विकास के मार्ग में बाधक बन रहे हैं तो इसके कुछ डार्क पक्ष भी हैं या हमारी इंडस्ट्री के भी कुछ डार्क पक्ष है या हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसी रिजिडिटी है जो कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए सही नहीं है या कलेक्टिव बारगेनिंग को बेहतर तरीका से फलने फूलने नहीं दे रही है क्या क्या चीज है भाई तो सबसे पहला चीज है प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रिया प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रिया का तात्पर्य है कि यहां पर जो दो ग्रुप है श्रमिक और प्रबंधन या इसी को अपनी योकता कह ले तो ये दोनों ग्रुप का जो इंटरेस्ट है इस दोनों वर्ग का जो इंटरेस्ट है दोनों वर्ग का जो हित है तो दो तरह का हित है एक तो कि कॉपरेटिव हित है तो उससे उसकी हम जब भी चर्चा करेंगे तो कॉलेक्टिव बारगेनिंग को बढ़ावा देने के लिए उसकी चर्चा करेंगे लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग के बाधा के रूप में उनका जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट कभी भी उनको एक समूह एक जगह बैठ करके और आपस में सौदेबाजी नहीं करने देती है मीन्स कि एक प्रतिस्पर्धी इंटरेस्ट में भी देखेंगे तो एक वर्ग जो है ये बहुत ज्यादा ही रिजिड होता है ये अपने प्ररोगेटिव का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है और अब अपने प्रोरोगेटिव का इस्तेमाल वर्कर्स के वेलफेयर के लिए नहीं करता है वर्कर्स के शोषण के लिए उसके एक्सप्लाटेशन के लिए करता है तो इस तरह का गैर जिम्मेदार प्रबंधन कहीं भी होगा जो अपनी निरंकुशता का इस्तेमाल करेगा जो अपने परमाधिकार का इस्तेमाल करेगा तो इसका अल्टीमेट प्रभाव क्या होगा कि श्रमिकों के शोषण की तरफ वो मुड़ जाएगा और कभी भी जो बातचीत की बात आएगी तो वो अपनी रिजिडिटी के कारण वो बातचीत होने नहीं देगा तो यहां जरूरत होती है एक फ्लेक्सिबल और दूरदर्शी प्रबंधन की जरूरत पड़ती है इनलाइटेड प्रबुद्ध प्रबंधन की जरूरत पड़ती है जबकि सामान्य सेंस में देखेंगे कि हमारे यहाँ जो खासकर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में जो प्रबंधन है वो प्रबंधन बहुत ही बेवकूफ और रिजिड प्रबंधन है जो अपने में थोड़ा सा भी लोधशीलता लाने के लोकशीलता को स्वीकार ही नहीं करता है सामान्यतः आपको बैंक वगैरह में कभी जाएंगे तो आपको वहां देखने को मिल जाएगा क्योंकि आप वर्कर तो है नहीं जो किसी आ, 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 फैक्ट्री वगैरह में जाकर के देखेंगे लेकिन किसी भी सरकारी जैसे आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाए या किसी पीएसयू से आपका तो सामना पड़ता नहीं होगा तो कहीं बैंक वगैरह में जाकर के देखें रेलवे में जाकर के देखें आपको आसानी से देख सकते हैं कि वहां का जो प्रबंधन है वो कितना रिजिड है कितना निरंकुश है और अपने अपने से ऊपर की अथॉरिटी की चमचागिरी में कितना वो लगा रहता है उसकी चापलूसी में कितना वो लगा रहता है दूसरा चीज क्या है कि अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं इंग्लिश टर्म जो इसके लिए विदाउट डूइंग देयर होमवर्क कहीं भी हमने जो समझौता के लिए जो शर्तें कल आपके साथ चर्चा की थी स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग में वहां पर पर्याप्त होमवर्क की जरूरत पड़ती है होमवर्क मीन्स की वर्कर्स के जो भी प्रॉब्लम हम केवल एक वेज को लेकर के आपके साथ चले थे लेकिन जो भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम के विषय में उसको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए उस प्रॉब्लम के विषय में जानकारी प्रॉब्लम के पीछे मूल रीजन क्या है इसके बारे में जानकारी उसके बाद उस प्रॉब्लम के रिजोल्यूशन का क्या तरीका है इसके बारे में जानकारी और उस तरीका का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है दोनों इंपैक्ट की उसके पास नॉलेज होनी चाहिए कि इसका पॉजिटिव क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और निगेटिव क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है देखिए कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होता है अगर कलेक्टिव बारगेनिंग तक भी पहुंचा जाएगा तो एक एब्सोल्यूट प्रोसेस नहीं होगा वो जब कभी होगा तो ग्रेजुअल प्रोसेस होगा वो धीरे धीरे एक डायनेमिक प्रोसेस होगा वो धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस है तो हम चाहेंगे कि यह एक ऐसी जादू की छड़ी हो जो एक ही साथ सब समस्याओं को दूर कर दे तो वो नहीं होने वाला है इसके बाद इसके द्वारा क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जो वर्कर्स की समस्या है उसको दूर करने का काम करते हैं एक स्टेप पर जाकर के कुछ समस्या को समाधान हुआ फिर कुछ और समस्याएं बाकी है उसके लिए अगले स्टेप पर जाते हैं जैसे जैसे औद्योगिक उन्नति होते जाएगी वैसे वैसे समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा तो इसके लिए जरूरत किस चीज की होती है पर्याप्त होमवर्क की जरूरत पड़ती है पर्याप्त होमवर्क की मीन्स की प्रत्येक बिंदु पर जिस पर हमको बार्गेनिंग करना है जिस पर हमको समझौता करना है उसके प्रत्येक बिंदु पर हमें तैयार होना है इसके लिए उस फैक्ट्री में क्या स्थिति है उसके आसपास की फैक्ट्री में क्या स्थिति है पूरे देश में या किसी रीजन में है तो उस क्षेत्र में क्या स्थिति है वहां क्या समस्याएं आ रही इन सब से उसको वाकिफ होना चाहिए उसका एक पर एक उसका रिसर्च होना चाहिए उसके पास उसके उससे संबंधित आंकड़े होने चाहिए और उन आंकड़ों के आधार पर उसको इंटरप्रेट करना चाहिए न कि हवाबाजी करनी चाहिए उसके बाद है प्रोटेस्ट का समय प्रोटेस्ट का समय अर्थात हड़ताल और लॉकआउट या कोई भी बात अगर नहीं मानी जा रही है तो वहाँ पर जो भी दबाव बनाने वाले जो संस्थाएं हैं जो दबाव बनाने वाले कार्यवाहियाँ हैं उन कार्यवाहियों के प्रयोग के लिए भी पर्याप्त समय यहाँ पर हासिल रहता है मीन्स कि आप देखेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में अब तो संशोधन किया गया पहले वाले एक्ट में अगर देखेंगे तो लोकोपयोगी सेवा में चौदह दिन की सूचना देकर के स्ट्राइक किया जा सकता है और बा, और बाकी जगह पर भी स्ट्राइक किया बिना सूचना दिए भी स्ट्राइक किया जा सकता है अब जाकर के उस पर कुछ रोक लगाई गई है अब दोनों स्ट्राइक को एक एक तरीका से एक ही उसके लिए रखा गया है जिसमें है कि कम से कम दो महीना पहले सूचना देनी होगी और सूचना देने के कम से कम चौदह दिन के बाद तक स्ट्राइक नहीं किया जा सकता उसके बाद स्ट्राइक किया जा सकता है तो तीसरा महत्वपूर्ण रीजन है बेहतर नहीं होने का या अच्छा तरीका से काम नहीं करने का बाह्य नेतृत्व देखिए इसकी पॉजिटिव भूमिका भी है एक्सटर्नल लीडरशिप की पॉजिटिव भूमिका भी है और इसकी निगेटिव भूमिका भी है पॉजिटिव भूमिका यह है कि यह स्किल में माहिर है यह अपने प्रभावशीलता में माहिर है मैनेजमेंट के जो ट्रिक्स हैं उस ट्रिक्स को समझने में माहिर है उसके साथ कुशलता से सौदेबाजी कर सकता है लेकिन इसके साथ जो डिमेरिट है वो डिमेरिट क्या है कि यह श्रमिकों की समस्याओं से वाकिफ नहीं है इसको श्रमिकों की समस्याओं से किसी प्रकार की कुछ लेना देना नहीं है इसका काम क्या है कि अपना व्यक्तिगत हित तो यहीं पर होगा कि बेहतर तरीका यही हो सकता है कि इसके जगह पर ट्रेड यूनियन जो है वो प्रोफेशनल्स को हायर करे उनके जो प्रोफेशनल फी होंगे वो फी का भुगतान करें और उनके साथ इस काम को करवाए यह तो हो सकता है यह एक विकल्प यहां निकल सकता है कि यहां पर जो पेशेवर समूह है जो प्रोफेशनल है उनको हायर किया जाए पेशेवर समूह की सेवा ली जाए उसका जो भी फी होगा उसका जो भी चार्जेस होंगे उस चार्जेस का भुगतान किया जाएगा एक बहुत बड़ा समस्या है ट्रेड यूनियन की बहुलता ट्रेड यूनियन की बहुलता मीन की मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन अगर हम नेशनल लेवल पर ही देखें तो बहुत सारे फेडरेशन काम कर रहे हैं प्लांट लेवल पर जाकर के देखें तो बहुत सारे यूनियन काम कर रहे हैं एक ही फेडरेशन में अलग अलग गुटबंदी है अलग अलग जातिगत आधार पर धर्मगत आधार पर गुट है वैसे जगहों पर चले जाएं जो हिंदी भाषी नहीं है वहां पर अगर रीजनल लैंग्वेज है तो वहां पर देखेंगे कि रीजनल ट्रेड यूनियन हावी हैं जहां पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का वर्चस्व पर देखेंगे कि क्षेत्रीय स्तर पर उस राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले बहुत सारे ट्रेड यूनियन है अब क्या होता है कि मुंडे मुंडे मती भिन्ना प्रत्येक एक, एक नहीं पढ़ते हैं ज्यादा जाद, जोगी मठ उजार वही चीज यहां देखने को मिलता है जब बहुत सारे श्रम संघ होंगे तो समझौता किसके साथ किया जाए और यहीं पर कभी कभी जो निरंकुश मैनेजमेंट होता है वही एक काम करता है कि वो अपनी तरफ से एक ट्रेड यूनियन का एक अपनी तरफ से एक ट्रेड यूनियन बनवा लेता है जो मैनेजमेंट के प्रति समर्पित होती है और उसी के साथ समझौता कर लेता है निम्न स्थिति के कार्यकारी की नियुक्ति वही चीजें जो पेशेवर समूह से जाकर के जुड़ता है मीन के जो एग्जीक्यूटिव व्यक्ति होते हैं वो क्या चाहता है कि हम उनको कम से कम भुगतान करें मजदूरों को फायदा हो मजदूर मेंबरशिप शुल्क जो दे रहे हैं वो इनके पास रहे लेकिन यह जो एग्जीक्यूटिव को नियुक्त करेंगे यह जो ऑफिस बियर को नियुक्त करेंगे वो कमजोर परिस्थिति वाले क्यों क्योंकि कमजोर कम पैसा देकर के उनसे काम निकाला जाए जबकि पेशेवर की सेवा अगर वो लेंगे तो उनको उनका जो भी चार्जेस होगा वो चार्ज उनका उनको भुगतान करना पड़ेगा तो ये एक ये टेंडेंसी भी समस्या उत्पन्न कर रही है जिसके कारण तो, कॉलेक्टिव बारगेनिंग बेहतर तरीका से काम नहीं कर पा रहा है वैधानिक प्रावधान का अभाव अगर देखें वैधानिक प्रावधान किस चीज की बात करता है अगर हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात करें तो वो किसके द्वारा समस्या के समाधान की बात करता है या तो सरकारी हस्तक्षेप से चाहे वो कॉन्सिलेशन ऑफिसर के द्वारा हो चाहे वो कौंसिलेशन बोर्ड के द्वारा हो चाहे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के द्वारा हो या फिर या तो एजुकेटिव हस्तक्षेप से एजुकेटिव इंटरवेंशन से या फिर जुडिशियल अधिनिर्णयन के द्वारा इसका समाधान चाहता है अगर हम एग्जीक्यूटिव के द्वारा समाधान की बात करें वैधानिक प्रावधान जो प्रावध, प्राव जिसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो बातें कही गई है उसकी अगर हम बात करें तो देखेंगे कि या तो सुलह अधिकारी या फिर सुलह बोर्ड या फिर न्यायिक जांच कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसी तीन के द्वारा एग्जीक्यूटिव के द्वारा समाधान की बात की गई है और इन तीनों से अगर समाधान नहीं होता है तो फिर जुडिस एडजुडिकेशन बॉडी की बात की गई अधिनियर्णयन तंत्र की बात की गई है जिसमें लेबर कोर्ट आता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आता है नेशनल ट्रिब्यूनल आता है तो कानून में हमारा जो इंडस्ट्रियल ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट